चिचोली पहुंची आपदा प्रबंधन टीम, किया ब्लॉक में भ्रमण, ग्रामीण जनों को दी नसीहत, एक दर्जन स्थल किए गए चिन्हित। बैतूल जिले के चिचोली ब्लॉक में NDRF की टीम पहुंची, जिसमें प्राकृतिक आपदा से आम जनों को बाढ़, आगजनी, भूकंप, हादसों से बचाने के हेतु जन जागृति लाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें प्रभारी सचिन शुक्ला, प्रबंधन के प्रशिक्षक तहसीलदार लवीना घाघरे, RI उत्तम पारधे, भीमराव फोटफोड़े, पटवारी अनिल सावरकर सहित आपदा टीम सदस्यों ने चूड़िया नदी, भाजी नदी, गोधना जलाशय सहित एक दर्जन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर चिन्हित किया गया। वहीं ग्रामीण इलाकों में चौक चौराहों पर ग्राम के लोगों को बचाव के उपाय के बारे में निर्मित आपदाओं से बचाव की समझाइश दी गई। चिचोली बैतूल से सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट। मैडम, ये जो आपदा प्रबंधन क्या है और इनके बारे में जो आज टीम ने भ्रमण किया है, क्या उद्देश्य है इसका, क्या कुछ जानकारी है इसकी बताएं। कलेक्टर महोदय द्वारा विभिन्न तहसीलों में, सारी तहसीलों में एक टीम NDRF की भेजी गई है, जो ऐसे स्थलों का निरीक्षण कर रही है जहाँ पे या तो पहले पूर्व में आपदा आई है या फ्यूचर में आने की संभावना है, ऐसे रपटे जहाँ ऊपर से पानी बहता है, उन सब जगह का ये टीम निरीक्षण कर रही है। इसके अलावा इनका जो दल है वो विभिन्न प्रकार के आपदा और उससे बचाव के लिए डेमोंस्ट्रेशन कराता है और वो बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रही है टीम। NDRF की बैतूल जिले में आई हुई है, किस उद्देश्य से आई है सर? नमस्कार सर, मैं बताना चाहूँगा NDRF की एक टीम किस उद्देश्य से आई है। NDRF के महानिदेशक श्री SN प्रधान के आदेशानुसार और 11 NDRF वाराणसी के DIG श्री आलोक कुमार के निर्देशन में 11 NDRF की एक टीम बैतूल जिले में एरिया फेमिलाइजेशन के लिए आई हुई है। इस टीम के टीम इंचार्ज इंस्पेक्टर गोपी गुप्ता हैं, जो इस जिले की प्रत्येक तहसील में संभावित आपदा क्षेत्रों का दौरा करके तथा आंकड़ा तैयार करते हैं और इसके साथ साथ प्रत्येक तहसील में जागरूकता अभियान मैं उपनिरीक्षक विक्रम सिंह द्वारा चलाया जा रहा है। इस जागरूकता अभियान के अंतर्गत आपदा के पूर्व की तैयारी, आपदा के दौरान तथा आपदा के उपरांत क्या क्या कार्यवाही करनी चाहिए, इसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है। आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को हॉस्पिटल ले जाने से पहले किस प्रकार का उपचार देना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी जाती है।